मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से, और कितना सहूं मैं। भिक्षाम दे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा साईं, आज आपको देने के लिए हमारे पास भिक्षा है ही नहीं। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। मेरे पति जो कि दानवीर कर्ण है, इन्होंने सब कुछ किसी और को दे दिया। मैं मानता हूँ साईं कि मैं रईस नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को मदद करनी हो तो दिल होना चाहिए, पैसे नहीं। सही कहा आपने, लेकिन लेकिन साईं इतना भी दयावान नहीं होना चाहिए कि खुद के लिए ही कुछ बचा के ना रखे। ये तो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों को खिला दे। देने से पहले कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि हम अपने लिए भी कुछ बचा के रख ले। पर नहीं, मैं पानी भरने गई थी तब तक पड़ोस से कोई आए चावल और अनाज मांगने। वो चावल और अनाज मैंने आज खाना बनाने के लिए रखे थे, और इन्होंने वो सारा का सारा निकाल के उन्हें दे दिया। और देने से पहले ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे लिए रसोई में कुछ बचा भी है या नहीं, और बचेगा भी कैसे। मैं कितना भी रसोई भर भर के रखूं, लेकिन इनके दान देने की आदत से वो हमेशा ही खाली हो जाती है। आज आपको देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं है घर में, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कल जब कुछ कमा कर लाएंगे तो ही पेट में अन्न का दाना जाएगा। फिर भी एक बार देख तो लेते, कुछ तो जरूर होगा। सभी को कुछ ना कुछ देते हो, क्या मुझे खाली हाथ लौटा दोगे? कुछ नहीं दोगे मुझे? साईं कभी इस तरह से बात नहीं करते, आज उन्हें क्या हुआ है? जरूर दूंगा साईं, मैं खुद जाके देख के आता हूं। कुछ होगा तो मिलेगा ना, सब कुछ तो पहले ही दे दिया है। हे भगवान, मैंने साईं को जुबान दी है, मेरी लाज रख लो भगवान, मुझे साईं को खाली हाथ ना लौटाना पड़े। साईं, इस समय आपको देने के लिए मेरे पास बस इतना ही है, कृपया ग्रहण कीजिए। ये तुम्हारे घर में अनाज का आखिरी दाना था, और ये भी तुमने मुझे दे दिया। भगवान का शुक्र है साईं, आपको कुछ तो दे पाया। अच्छा किया,
मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। और हां, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति लाखों में एक है। दूसरों की मदद करके इन्होंने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी इन्हें हरा नहीं सकती। जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने सुख से पहले दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते हैं, वो उस ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। और वो ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी कष्ट नहीं होने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि साईं ने भी आपका पक्ष लिया। कोई ये क्यों नहीं देखता कि आपके दान पुण्य के चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं? कैसे समझाऊं मैं इसे? आहो, जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम ये और कुछ नहीं, हमारे साईं का ही चमत्कार है, बेशक है। मेरे साईं ने मुझे आशीर्वाद दिया तो फिर हम भला भूखे कैसे सो सकते? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैंने आपको गलत समझा। आज के बाद मैं आपको किसी की भी मदद करने से नहीं रोकूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया साईं। साईं, 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 साईं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम मीरा, शक करके साई के बुलावे का अपमान मत करो। हम सब जल्द से जल्द शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। और सासू मां, ना हम उन्हें साथ ले जा सकते हैं और ना यहां अकेले छोड़कर जा सकते हैं। ऊपर से त्योहार भी शुरू होने वाले हैं, इसी समय तो मुझे बहुत सारा सिलाई का काम मिलता है। यहां रुके तो उन पैसों से हम दयाराम का इलाज डॉक्टर से करा सकते हैं। मीरा, दयाराम को तो साई मुफ्त में ठीक कर देंगे, लेकिन आई के प्रति तुम्हारी जो चिंता है वो वाजिब है।
मीरा, मेरे विचार से मैं और दयाराम शिरडी जाएं, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। आप दोनों? पर आप अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? अब मैं अकेला कहाँ हूँ, साई के प्रति आस्था मेरे साथ है। तुम देखना, जब हम लौटेंगे तो दयाराम के दोनों हाथ ठीक हो चुके होंगे। मैं कल ही अनंत बाबू से मेरी छुट्टी की बात करता हूँ, उम्मीद है मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वैसे दही हांडी कौन सजाएगा? जब इतना सब हम सब ने मिलकर किया है तो दही हांडी भी हम सब मिलकर ही सजाएंगे ना? हाँ। काका नमस्कार। अरे मानसापति जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आइए आइए। मीरा देखो तो कौन आया, और पानी लेके आओ। आप स्वस्थ हैं? हाँ हाँ। वहिनी नमस्कार। नमस्कार। लीजिए। धन्यवाद। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर हांडियां हैं। वाह, लेकिन काका एक बात बताइए, ये इतनी सारी हांडियां क्यों बना रहे हैं आप? कोई नया रोजगार शुरू किया है क्या आपने? अरे नहीं नहीं, वो पड़ोसियों के लिए है। हमारे पड़ोसी और परिचित लोगों को दयाराम के बाबा का काम बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो सब दही हांडी के अवसर पर सजाने के लिए अपनी हांडियों को यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत। किस सोच में डूब गए हैं मालसापति जी? मैं अपने मित्र काका महाजनी के बारे में सोच रहा था साईं। उन्हें भी हांडिया सजाने का बहुत शौक है, और इसलिए साईं मैंने उन्हें जन्माष्टमी मनाने के लिए यहीं बुला लिया है। क्या हुआ साई? मना कर दीजिए मुझे। साई लेकिन उन्हें जल्द से जल्द आपसे मिलना है। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूं। साई, आप किसी को द्वारका माई आने से रोक रहे हैं, लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना कि द्वारका माई में सबका स्वागत है, कभी भी कोई भी यहां। मालसापति जी जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। कल तो आप तरक्की मांग रहे थे ना, ऐसे मिलेगी आपको तरक्की छुट्टी ले लेके? आप जाइए और अपना काम कीजिए, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। नहीं अनंत बाबू, ऐसा मत कहिए, कृपा करके मेरी छुट्टी मंजूर कीजिए, ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। काका ये दफ्तर है, इसके अपने नियम हैं, और आप आए दिन अपने बेटे के नाम पे छुट्टी लेते हैं। काका मैं आपका दर्द अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप दयाराम का इलाज अच्छे से करवाना चाहते हैं ना, तो मन लगाकर काम कीजिए, पैसे बचाइए उसके लिए। अच्छा नहीं ला थोड़ी।
आनंद बाबू, क्या जाने से पहले मैं मेरे हिस्से का 2 हफ्ते का काम मैं कल ही पूरा कर दूं तो? आप तो जानते ही हैं कि सेठ जी शुरुआत में ही पूरे महीने का काम हम सब में बांट देते हैं, और मैं कभी अपने हिस्से का काम लंबित नहीं रखता हूं, और मैं लगभग अपने हिस्से का काम पूरा कर चुका हूं, और जो थोड़ा शेष बचा है वो कल सुबह तक मैं पूरा करके दे दूंगा। फिर तो मैं शिरडी जा सकता हूं ना। अगर आप चाहे तो मैं इस बारे में शेठ जी से बात कर लेता हूं। आप ही ने एक बार बताया था कि शेठ जी ने मेरे बारे में आपसे कहा था कि मैं बहुत परिश्रमी हूं, तो वो तो मुझे मना नहीं करेंगे ना, है ना? अगर काका महाजनी ने सेठ जी को जाकर ये कह दिया कि दफ्तर का अधिकांश काम वही करता है तो मैं फंस जाऊंगा, और अगर ये 2 सप्ताह के लिए दफ्तर से बाहर गया तो इसकी अनुपस्थिति में मुझे ही काम करना पड़ेगा। इसको काम के बोझ के तले ऐसा दबा दूंगा कि छुट्टी में जा ही नहीं पाएगा। काका, इतनी सी बात के लिए आप सेठ जी को क्यों परेशान करोगे? अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आप जा सकते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल ही गया, कारोबार के लिए सेठ जी बहुत बड़ी रकम उधार ले रहे हैं अंग्रेजी बैंक से, और बॉम्बे के बैंक से अंग्रेजी बैंक अलग ही चीज है, हमारे साहूकारों की तरह नहीं है। बैंक तभी कर्ज देता है जब कारोबार से जुड़े हुए कागजात अच्छी तरह से देखकर अपनी तसल्ली कर लेता है। इसलिए सेठ जी को इस महीने का नहीं बल्कि पूरे साल भर का खाता बही अध्यतन और क्रमवार तरीके से चाहिए। पिछले 1 साल का हिसाब किताब, मुनाफा सब एक जगह करके दिखाना होगा, तभी तो बैंक उधार देगा सेठ जी को। चलता हूं, मुझे कुछ लेनदारों से मिलने जाना है। आप एक काम पूरा कर लीजिए, फिर आप शिरडी चले जाना। काका महाजनी, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। काका, इतने सारे खाता बही का अद्यतन आप रात भर में कैसे खत्म कर पाएंगे? मेरे बेटे के लिए मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, ये सब मैं घर ले जाऊंगा, और किसी भी सूरत में कल सुबह तक इन सब का अध्यतन करूंगा। उसके बाद मैं शिरडी जाऊंगा। मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता, ना मेरे बेटे के स्वास्थ्य से, ना काम से। समझ नहीं आ रहा साई ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी को यहां आने से रोका नहीं। साई कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं करते, और ना ही कहते। आहो, मेरा विचार है कि आप काका महाजनी को यहाँ आने से रोक दीजिए, उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कह दीजिए। पार्वती, मैंने उनके अस्वस्थ बेटे की मदद करने के लिए उन्हें शिरडी बुलाया है। हाँ,
अपने बेटे को लेकर वो पहले से ही परेशान है। ऐसे में अगर मैं उनसे ये कहूं कि साई ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा है तो पार्वती उनका दिल टूट जाएगा। किस सोच में डूबे हैं मालसपति जी? देख क्या रहे हैं, जल्दी जाइए, रोकिए उन्हें। किसी भी कीमत पर वो शिरडी में प्रवेश न कर पाए। ठीक है साई, जैसा आप कहें। हाँ साई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। जंगल में मिलेगा, लेकिन वहां कौन जाएगा? किसी दूसरे पक्षी का पंख इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान को मोर पंख सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हमारे पास मोरपंख नहीं है तो हम कहां से लाएंगे? ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए उठते रहेंगे तो अपना काम कब खत्म करेंगे? दयाराम को अपना काम करने दीजिए, उसे थोड़ा समय लगेगा पर वो कर लेगा। कैसा है ना मीरा, दयाराम को किसी भी चीज में जरा सी भी मुश्किल हो तो मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये परेशानी केवल कुछ दिनों की ही रह गई है। आई इस बार दयांडी मैं ही फोड़ूंगा। बिल्कुल बेटा, जब हम शिरडी से लौटेंगे तब तुम ऐसे ही मोरपंख पहन कर दहीहंडी में भाग लेना सबके साथ। ये! साई, कृष्ण भगवान हमेशा मोरपंख क्यों पहनते हैं? इससे जुड़ी कई कहानियां हैं और उनमें से एक कहानी तो भगवान राम से भी जुड़ी है। भगवान राम और मोरपंख, ये कहानी तो हमने कभी नहीं सुनी। हाँ साई, सुनाइए ना साई।
बात उस समय की है जबकि सीता हरण हो चुका था और भगवान राम अपनी पत्नी सीता को हर जगह ढूंढ रहे थे। सीता जी को ढूंढने में वो इतना खो गए कि एक जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी, पर न तो पानी मिल रहा था और न ही जंगल से निकलने का रास्ता। ऐसे में एक मोर उन्हें देख रहा था और मोर के मन में उनकी मदद करने की इच्छा आई। मोर तरह तरह से भगवान राम को संकेत दे रहा था, पर शायद या तो भगवान राम की मनोदशा ऐसी थी या फिर वो बहुत थक हार गए थे इसलिए मोर के संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे। राम जी की दशा देखकर मोर से रहा नहीं जा रहा था और वो हर हाल में हर कीमत पर उनकी मदद करना चाहता था। नाश्ता कर लीजिए। अभी नहीं, बहुत काम है। जब से आप आए हैं काम ही कर रहे हैं, थोड़ा कुछ खाकर आराम कर लीजिए फिर काम कर लीजिएगा। नहीं मीरा, जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेता खाने में मन नहीं लगेगा। और हाँ मीरा, तुम जानती हो कल बंबई से पूना के लिए एक रेलगाड़ी जाती है, अगर काम पूरा हो गया तो उसी गाड़ी से चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा। राम जी की मदद करने की इच्छा से उस मोर ने अपने पंख एक एक करके नोच के जमीन पर गिराना शुरू कर दिया ताकि राम जी का ध्यान उसकी ओर जाए और वो पानी तक पहुंच सके। सौभाग्य से हुआ भी वैसा ही। जब भगवान राम ने पानी पिया और उनका ध्यान उस मोर की तरफ गया तो मोर के शरीर पर एक भी पंख नहीं था, वो घायल अवस्था में था। पर उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी, वो मर भी सकता था लेकिन मोर बिल्कुल परेशान नहीं था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि उसने भगवान राम की मदद करी है और उसकी संतुष्टि उसके मुख पर साफ दिख रही थी। जब भगवान राम को पूरी बात पता चली तो मोर की उदारता से अभिभूत हो गए वो और वादा किया मोर से कि अगले जन्म में वो उसके पंख को हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगले जन्म में वो भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर आए और मोर के पंख को अपने मुकुट में स्थान दिया। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोर पंख के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। सच में ये तो बहुत अच्छी कहानी है साई। हाँ निराली, और इस कहानी से भी अच्छी है इस कहानी से मिलने वाली सीख। जब भी किसी की मदद करो तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि भगवान निस्वार्थ कर्म को ही स्वीकार करते हैं। अपना हो चाहे पराया, मदद करो तो निस्वार्थ होकर, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर तो मोरपंख बहुत जरूरी है साईं। यहाँ पर एक मोरपंख था, पता नहीं वो कैसे तेज हवा में उड़कर गायब हो गया। साईं, हमें मोरपंख कहाँ से मिलेगा? जब सब कुछ मिला है तो मोर पंख भी मिल जाएगा। कौन जाने कोई नया साथी ही मोर पंख ले आए।
थोड़ा खा लीजिए। लीजिए। जाके सो जा। Thank you.
घाव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय, धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। मेरी आंख लग गई थी। कैसे संभव है? क्या मैं पूरा काम समाप्त करके सोया था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो खत्म कैसे हुआ होगा? आपकी कृपा से मैं ये काम पूरा कर पाया। बस अब यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा भी ठीक हो जाए।